बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 TRE 3.0 के लिए पदों की एक संभावित सूची अखबार समाचार पत्रों के माध्यम से हमको प्राप्त हुई है। और अखबार समाचार पत्रों में अगर हम TRE 1.0 के आधार पर देखें या TRE 2.0 के आधार पर देखें तो ज़्यादातर चीज़ें उनके आंकड़े सही होते हैं। 100 200 500 सीट इधर उधर ऊपर नीचे होता है, ये एक अनुमानित अंदाजा अखबार वाले भाई, उनके भी अपने सोर्सेज होते हैं, अपने आंकड़े होते हैं जिसके आधार पर वो चीज़ होती हैं। तो अगर आप इस सेशन को देख के ये कमेंट कर दें कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वो टोटली खारिज बात है, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है, तो मेरे हिसाब से तो ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े कई हद तक बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जो के पाठक हैं शिक्षा विभाग बिहार में, यातुल प्रसाद जी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि लगभग 87,000 पदों पर हम लोग भर्ती निकालेंगे। एक बार कहा गया कि इतने लोगों के 1 लाख पदों पर भर्ती निकलेगी, तो उन आंकड़ों के आसपास की बात है। इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक अंदाजा मिल जाएगा कि भाई इतने इतने पदों पर भर्ती है। तो एक बार देख लेते हैं, ये कह रहा है पटना के अखबार में, हिंदुस्तान में, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरे चरण में 86,474 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें सबसे अधिक 28,026 पद प्राथमिक में होंगे, और इसको लेकर के गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचन भेज दी है। जल्द आयोग के पास इन पदों की सूची सामान्य प्रशासन की ओर से भेज दी जाएगी। भाई ये सूची जो है आयोग के पास भेजी गई है, लेकिन इससे पहले ही जब जिलों से पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है तो भाई अखबार वालों को भी आंकड़ा लगी जाता है, पता चली जाता है, उसके आधार पर उन्होंने बना के दी हुई है। इसके बारे में एक पूरी जानकारी मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से तो पहले बताई थी अपने यूट्यूब पे सारी चीजों को लेकर के, कि भाई जो आवेदन है वो इसके कब से भी है, तो 10 फरवरी से लेके कब से भी है, तो मैंने बताया था ना कि 10 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक तो इसके क्या भी है ऑलरेडी आवेदन, और इसका जो एग्जाम है वो 7 मार्च से लेके 17 मार्च तक इसका एग्जाम है, 22 से लेके 24 मार्च तक इसका क्या कर दिया जाएगा, रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग है, 3 अटेम्प्ट की बात की गई थी, लेकिन इसको जो है अलाउ करके आगे मेरे ख्याल से 5 अटेम्प्ट तक की अनुमति दी जाएगी, तो इसको लेकर के भी आगे बात की जाएगी, फिलहाल इसको लेकर के नहीं है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैसे पदों पर भर्ती है, ध्यान रखना, पहली से पांचवी में 28,026 पदों पर भर्ती है, छठवीं से आठवीं में 19,057 पदों पर भर्ती है, नौवीं से दसवीं में 17,018 पदों पर क्या हो जाएगी, भर्ती हो जाएगी। वहीं 11वीं से 12वीं में अगर हम देखेंगे तो 22,373 पदों पर भर्ती हो जाएगी, और टोटल अगर हम इसके अंतर्गत बात करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी भैया, 86,474 पदों पर भर्ती हो जाएगी, है ना। तो 86,474 पदों पर भर्ती है टोटल बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में, इस बात को याद रखना। लेकिन अगर मैं आपको इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात बताऊं, क्या कि ये बात तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि जो पहली से पांचवी है उसके लिए सीटेट पेपर वन चाहिए या फिर बिहार टेट पेपर वन, जो छठवीं से आठवीं का है उसके लिए सीटेट पेपर टू पास होना चाहिए या बिहार टेट पेपर टू पास होना चाहिए, नौवीं से दसवीं तक आपका क्या होना चाहिए, सुपर टेट यानी एसटेट पेपर वन पास होना चाहिए, 11वीं से 12वीं तक एसटेट पेपर टू पास होना चाहिए। लेकिन टोटल अगर 86,474 पोस्ट हैं, लेकिन क्योंकि जो 21 जनवरी को सीटेट का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है, और जब उसका रिजल्ट आ चुका है तो उसका मतलब कि वो सीटेट वाले बच्चे भी उसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर मैं पहली से पांचवी और छठवीं से आठवीं के पदों को अगर मैं जोड़ दूं जो 28,026 और 19,057 है, तो टोटल ये हो जाते हैं 47,083 हो जाते हैं। तो अगर मैं ये बात भी कह दूं कि सीटेट पास वालों के लिए एक बड़ी भर्ती भी है, जिन्होंने सीटेट पास कर रखा है उनके लिए 47,083 पदों पर भर्ती है, तो ये बात झूठ नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। जिन लोगों का सीटेट का पेपर पास है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो 47,083 पदों पर अपनी भर्ती को दे सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, 1 महीने का समय जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए, ऑल ओवर देखा जाएगा तो 86,474 पदों पर भर्ती है। तो आप ये बात मान लीजिए कि जो भर्ती के पदों की संख्या होगी वो इसी के समकक्ष ही रहेगी, समकक्ष मतलब इसी के आसपास की रहेगी, जितनी भी रहेंगी। फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी को करते रहिए इसी चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, फ्री में बहुत सारी क्लासेस जो है हमारे पे चल रही है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता दू, मैं अगर आपको यहाँ पर बता दू, TGT PGT टेस्ट बुक का हमारा ये चैनल है जिस पर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, आप हमारे इस वीडियो को दूसरे चैनल पर भी देख रहे होंगे, लेकिन इस चैनल पर जैसे मैं बताऊं, जो 9वीं से 10वीं वर्ग के जो बच्चे हैं, जो 9वीं से 10वीं वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए और 6वीं से 8वीं के लिए मॉडल पेपर आज से हमने शुरू कर लिया है। क्या हमने शुरू कर लिया, आज से हमने मॉडल पेपर शुरू किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखो ये वाला,
जिसमें आप देखेंगे कि तीन तीन टीचर आपको पढ़ाएंगे, तीन तीन टीचर। इसमें अगर देखेंगे तो पॉलिटी राजराणा सर आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स सिमरन मैम आपको पढ़ाएंगी, और यह मॉडल पेपर रोज रात को 8 बजे से शुरू होगा और चलेगा तकरीबन 11 बजे तक, मतलब पर डे 3 घंटे एक मॉडल पेपर होगा, जिसमें 6वीं से 8वीं वर्ग के बच्चों के लिए और 9वीं से 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए बढ़िया तैयारी हो जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री में ये सारी सारी क्लासेस हैं, तो आप इन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को मस्ती के साथ में करिए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं SST भाई अनुपम सर के नाम से, आप कहीं पर भी यूट्यूब पर SST भाई अनुपम सर डालेंगे आपको मेरी सारी क्लास मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम टेलीग्राम यूट्यूब सब जगह आप मुझे SST भाई अनुपम सर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, कोई और क्वेरीज हो तो ऑफलाइन में कमेंट जरूर करना।